ये खत ना था ना है, ये ड्रामा था। ये खत खान साहब के एक वजीर ने खुद लिखवाया है किसी एम्बेसडर से। खत आया है अपने दम के लिए, किसी ने दम के लिए दिया? खत है नहीं, एक तमाशा है। वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की पाकिस्तान के खिलाफ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, हमें धमकी दी गई है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हक है तू, सच का खुदा है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने वाज़े तौर पे कह दिया कि पाकिस्तान की ये जो नो कॉन्फिडेंस पोर्शन थी, इसमें से बैरून मुल्की इंटरफेरेंस थी। सलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है। सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुताबिक। मगर जब मैं ये कह रहा था कि एक मरासला आया हमारे पास जिसमें एक 22 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, साजिश की गई और हमारी जमहूरियत, हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात बाहर से हुई, तो मैंने जब ये कहा तो कितने लोगों ने, कई सहाफी थे हमारे मुखालिफ पॉलिटिशियन, तो सबने कहा कि नहीं जी ये फेक है, ये ठीक नहीं है, ये झूठ है। मैं सबके सामने फिर कहना चाहता हूँ कि अल्लाह हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है।